नमस्कार दोस्तों, धूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर जीवन में सेटल नहीं हो पा रहे हैं, अगर लगता है शादी नहीं हो रही है और हर एक कार्य में बाधा आ रही है, तो केतु का उपाय आज जो बताऊंगी इसे करके देखिए। हर क्षेत्र में सक्सेस मिलेगी, हर एक कार्य आपका सफल होगा और साथ में जीवन में बहुत ही ज़्यादा शांति रहेगी। वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं या फिर हर कार्य गलत कर बैठते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने डिसीजन के माध्यम से वो अपना भारी नुकसान कर बैठते हैं, और कभी कभी वो सिर्फ इस दुविधा में रहते हैं कि जीवन में करना क्या है। बहुत ही कंफ्यूजन रहता है और वो इंसान हमेशा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि उसे जीवन में करना क्या है। इसीलिए असफलता हर घड़ी उनका पीछा कर रही होती है। कारण क्या है? सबसे पहले हम ज्योतिष शास्त्र में देखते हैं कि केतु किस स्थान में बैठा हुआ है। चलो, केतु कोई भी घर में बैठा हुआ है, लेकिन अगर ये केतु आपके जीवन में खूब प्रभाव देता है तो इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि उसकी दृष्टि किसी न किसी ग्रह पर पड़ी हुई होती है, और साथ में वो खुद भी प्रभावित हुए रहता है, कुप्रभावित हुए रहता है। केतु केतु का काम होता है भ्रम में डालना। केतु के लक्षण होते हैं कि केतु हमेशा आपको भ्रमित करके रखेंगे। आपको करना कुछ चाहिए था, आप कर कुछ रहे हैं। आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई है जिस सिचुएशन का आपको बहुत भली भांति सटीक तरीके से आपको सॉल्यूशन निकाल कर आपको एक डिसीजन लेना था, लेकिन राहु और केतु ने आपको ऐसा भ्रमित कर दिया कि आप सही चीज को गलत, गलत चीज को सही समझने लग गए कि यहाँ पर मुझे सही डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन हमारी एक गलती ने उस डिसीजन को गलत कर दिया। ठीक है, वहां पर भी आपको ये समझना चाहिए कि केतु का प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है। आपको आपकी उम्र में पढ़ाई लिखाई करना चाहिए था, लेकिन उस समय आप सट्टेबाजी या फिर जुआ या फिर नशे या फिर कोई और चीज कर रहे थे। तो ये भी एक होता है कि सही को गलत, गलत को सही समझना, यानी कि राहु केतु का कुप्रभाव आपके जीवन में पड़ना। तो केतु आपके सेटलमेंट के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायी होता है। तो केतु को सेटलमेंट का भी राजा कहा जाता है, कि अगर इसने किसी पर अपनी अच्छी दृष्टि डाल दी तो आपको ये करोड़पति रंग से राजा बना देगा। तो इस बैलेंस को करना कैसे है, क्योंकि एक बहुत सिंपल सी चीज मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, कि राहु केतु जो होती है ना, ये इंसान के जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती है, बहुत बड़ा एक स्थान होता है राहु केतु का। अगर राहु केतु आपके जीवन में अच्छे तरीके से आ सकता है, तो राहु केतु आपके जीवन में बुरे तरीके से भी आ सकता है, और उसका परिणाम भी बहुत बुरा होता है, क्योंकि वो जीवन में आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा, बल्कि ऐसे ऐसे रास्ते में आपको लेकर चला जाएगा जो रास्ता आपको सिर्फ और सिर्फ बदनामी, लड़ाई झगड़ा और हमेशा दूसरों से, सामाजिक तत्वों से आपको दूर करके रख देगा। यानी आप किसी भीड़ में जाएंगे ना, तो आपको लगेगा हमेशा कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, आपको लगेगा हमेशा लोग मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा ही बोल रहे होंगे, कोई अच्छा भी बोलेगा तो भी आपको लगेगा। तो ये इम्पैक्ट होता है केतु का। ठीक है, अब मैं आप लोगों को उपाय बताती हूँ। अगर आपको लगता है कि केतु आपके नक्षत्र में है, केतु आपके जीवन में बहुत कुप्रभाव दे रहा है, तो ऐसे में वो इंसान बहुत भ्रमित रहता है, उसे कुछ भी सही गलत की समझ नहीं होती और वो हर कार्य गलत ही करता हुआ चला जाता है। भले एक दो कार्य सही भी कर ले, लेकिन जीवन में अक्सर उन्हें देखा गया है कि वो गलत कार्यों में शामिल हो जाता है, जैसे कि गलत तरीके से पैसे ले लेना, किसी को ठगाना, या फिर शेयर मार्केट में हार जाना, या फिर इसी तरीके सौदेबाजी। ठीक है, ये सारी चीजों में वो लिप्त हो जाता है, नशे में लिप्त हो जाता है, ऐसा जाता केतु से प्रभावित होता है। इसको ठीक करने के लिए जरूरत है, हर बुधवार गणेश भगवान की पूजा कीजिए, उन्हें दुर्बा चढ़ाइए 21, 51 या फिर 108। ठीक है, दुर्बा चढ़ाइए और चढ़ाने के बाद प्रार्थना कीजिए कि केतु आपके जीवन में सुप्रभाव डाले, और साथ में आपके जीवन में उन्नति के लिए जो भी बाधक बन रही है उसे दूर करने के लिए आप भगवान गणेश से आप प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर माँ दुर्गा की चालीसा करनी चाहिए, सिद्ध कुंजिका का पाठ करना चाहिए हर नवरात्रि। खास करके इन 9 दिनों में सिद्ध कुंजिका का पाठ बहुत ही जरूरी हो जाता है, लेकिन वो भी संकल्प के साथ अगर पढ़ते हैं, जैसे 7, 9, 11, 21। ठीक है, इस पाठ से भी आपको बहुत ज़्यादा असर दिखता है अपने जीवन में, और साथ में बहुत ही
बाधक जो बन रही थी, जो चीज है वही चीज बाधक नहीं बनती है और धीरे धीरे आपके जीवन से प्रॉब्लम्स दूर हट जाती है। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही थी उन्हें भी सिद्धकुंडिका का पाठ करना चाहिए और गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, साथ में भगवान विष्णु की भी उन्हें पूजा करनी चाहिए। ऐसे में भी अगर जातक का शादी में कोई बाधा आ रहा था या फिर शादी नहीं हो रही थी तो ऐसे में शादी बनने के योग शुरू हो जाते हैं। अगली बात जो ध्यान देने होती है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा केतु के चीजें जो होती है उन्हें दान करनी चाहिए, जो भी केतु से रिलेटेड हो जो चीजें होती हैं उन चीजों का दान करने से भी इसमें बहुत फायदा देखा गया है। अगली बात जो चीजें हैं जो नोटिस करनी चाहिए कि डार्क कलर से बहुत ज्यादा दूरी बनानी चाहिए, खास करके किसी भी स्पेशल डेज में, ऑस्पिशियस डेज में बिल्कुल भी डार्क कलर्स जैसे ब्राउन, ब्लैक, मैजेंटा, इस तरह की चीज़ें या फिर पर्पल, ये सारे कलर्स जो होते हैं ये जो प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उन कलर्स के हिसाब से आपको चूज़ करना चाहिए, ना कि किसी भी शुभ कार्य में आपको बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स, स्पेशली जो भी कलर्स मैंने मेंशन किया है आप इन कलर्स से दूरी बनाइएगा। अगली बात जो ध्यान देने योग्य है कि अपनी साफ सफाई का खास तौर पर ख्याल रखिएगा, क्योंकि केतु के प्रभाव से इंसान नशेड़ी बनता है, केतु के प्रभाव से इंसान गलत विचारों के साथ लिप्त होता है, केतु के कुप्रभाव से इंसान में चोरी की टेंडेंसी आ जाती है, वो इंसान चोरी करने लगता है यानी दूसरों के पैसे ठगने लगता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए केतु को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अपनी साफ सफाई का भी ध्यान रखें, क्योंकि जो इंसान साफ सफाई का ध्यान रखता है उसके अगल बगल की जो भी एनर्जीज होती हैं वो भी उसी अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं, यानी आप जितने साफ सुथरे रहेंगे उतने ज़्यादा आपकी एनर्जी भी उसी हिसाब से या तो पॉजिटिव बनेगी या तो नेगेटिव बनेगी। तो इसीलिए साफ सफाई का भी ख्याल ज़रूर रखिए। आप इन सारे उपायों को कीजिए, करने के बाद आप अपने जीवन में बहुत कुछ चेंजेस ज़रूर देखेंगे और डेफिनेटली आपको अपने जीवन में बहुत कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो वो डिसीजन भी आप लेने लग जाएंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।